भगवान श्री गणेश के भजन से शुरुआत हुई है और आज का जो कार्यक्रम है भगवान श्री राम को समर्पित है, उनके भजनों को समर्पित है। तो आइए, बड़ा ही प्यारा भजन है और भाई अभी जो आपने कुछ झलकियाँ देखी ना, ये मैं एक्चुअली त्रिवेणी घाट जा रहा था तो रास्ते में मुझे दिख गया। काफ़ी अच्छा यहाँ पर गणेश चतुर्थी का महोत्सव मनाया जा रहा है, भजन वगैरह बहुत अच्छे चल रहे हैं यहाँ पर। तो अभी मैं बीच में से ना उठ के जा रहा हूँ त्रिवेणी घाट, तो वहाँ पर भी देखते हैं कि वहाँ पर अभी कुछ प्रोग्राम ऐसा हो रहा है या नहीं। भाई त्रिवेणी घाट पहुँच चुके हैं और ये है रास्ते में ना, भेलपुरी भी ले ली थी, भूख लग रही थी थोड़ी। और अभी यहाँ पर क्या है, सुबह जो पंडाल लगा हुआ था ना, आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, तो वहाँ पर कुछ प्रोग्राम चल रहा था दोपहर में, वो पूरा यहाँ से ना हट चुका है। अब वहाँ आगे वाले जो गणेश चतुर्थी वाले में ना, उधर जाते हैं, वहाँ देखते हैं क्या है। तो ये त्रिवेणी घाट वाले पंडाल के अभी आपको दर्शन कराए थे, ये सामने पीछे है त्रिवेणी घाट। तो अभी भाई यहाँ का क्या प्रोग्राम है या खाली ऐसे पंडाल लगा है, जो भी अभी मुझे यहाँ की अपडेट नहीं है, वो मैं पता चलेगी, मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में या कल जो भी होगा बता दूंगा। और जो अभी मैं जिस प्रोग्राम में गया था ना, वो नगर निगम में हो रहा है, ये अपना मेन रोड पर तिलक रोड है ना, उसके जस्ट पास में नगर निगम है, वहाँ हो रहा है और 3 दिन चलेगा। 7 तारीख है, ये 7 तारीख की रिकॉर्डिंग थी, 8 और 9 दो दिन अभी और भी है ये। तो एक बारी रात में गंगे माँ के दर्शन कर लेते हैं। जय गंगे मैया की। तो इस साइड है भाई त्रिवेणी घाट, और जब हम ये तिलक रोड पे आएंगे ना, पूरा भाई पूरे तिलक रोड पे लाइटिंग हो रखी है। जस्ट थोड़ा सा आगे है नगर निगम, जहाँ पर ये प्रोग्राम चल रहा है। तो एक्चुअली मैं दूसरी साइड से एंट्री करी थी, बट इसकी एंट्री यहाँ से भी है भाई, देखो तिलक रोड से, तभी ये सारा सजा पड़ा है, क्योंकि ये मेन यहाँ से एंट्री भी है इसकी। ये देखो भाई कितना बढ़िया डेकोरेशन हो रखी है। Oh,
तो भाई 1 बज गया है और जागरण अभी ख़त्म हुआ है, आरती होनी थी तो मैं अभी घर जा रहा हूँ। फिलहाल आरती अटेंड नहीं करी, बस अभी इसको कंटिन्यू रखूँगा वीडियो। कल अभी आगे जो आएगा वो बने रहना बस। का उद्धार करने वाली साक्षात इस कलयुग में दहन कर रही माँ गंगा हमारे सभी पापों का नाश कर रही है। और कहा जाता है कि अन्य क्षेत्र कदम पाप तीर्थ क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र कदम पाप मज्जो भविष्यति। शास्त्रों में कहा जाता है कि अन्य क्षेत्रों में किया हुआ पाप तीर्थ क्षेत्र में आकर समाप्त हो जाता है। और यद्यपि हम तीर्थ क्षेत्र में किसी भी प्रकार का पाप करते हैं तो वहाँ वज्र के समान भाई। अभी मधुबन आश्रम के बाहर हूँ, ये जानकी सेतु के बिल्कुल पास में है। तो भाई राधा अष्टमी का भी पता करने जा रहा हूँ कि किस डेट को मना रहे हैं। वैसे 11 तारीख की है, लेकिन इस्कॉन वाले जो है ना वो एम्स से वाले रोड पे पड़ता है इस्कॉन, तो वहाँ पर 15 तारीख को मना रहे हैं रविवार। इधर का भी पता करते हैं, शायद 11 तारीख की ही मना रहे होंगे यहाँ। और भाई अभी ना ये जो गणेश विसर्जन का प्रोग्राम था उसका 2 बजे का टाइम था, लेकिन 6:30 बजे भी अभी वो पहुँचे नहीं थे, तो मैं अपना आरती अटेंड करने आ गया। और आरती में बड़ा आनंद आया, लाइव चलाई थी मैंने वीडियो। और अभी जाती बारी देखूंगा त्रिवेणी घाट पे कि विसर्जन हुआ है या नहीं, नहीं हुआ होगा तो आपको भी दिखाऊंगा। बाकी अभी अंदर चलते हैं मधुबन आश्रम में। तो भाई आज 9 तारीख को ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, 7:30 बज रहे हैं शाम के, और कल ये वीडियो आपको 10 तारीख को मिल जाएगी। और राधाअष्टमी यहाँ पर जो 11 तारीख की है उसी दिन सेम डे ही मनाई जाएगी, शाम को 4:30 बजे से शुरू होके रात को 9:30-9:30 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। तो अगर कोई ऋषिकेश या आसपास रहता है तो मधुबन आश्रम आ सकते हैं राधाअष्टमी के प्रोग्राम के लिए 4-5 बजे। हरे कृष्णा। तो यार मैंने नोटिस ही नहीं करा था, स्टार्टिंग में ही बोर्ड लगा हुआ है और सारी डिटेल इसमें दी गई है। चलो इस बहाने अंदर जाके दर्शन हो गए और क्या। विसर्जन के लिए ना बस वो पहुंचने ही वाले थे तो टाइम बहुत लग रहा था, तो मैंने सोचा कि यार बच्चों को भी दिखा देता हूँ, घर आ गया हूँ अभी लेने, बट टाइम लग गया ज़्यादा यहाँ पर इनको रेडी वेडी होने में। तो देखते हैं भाई, अगर किस्मत में होगा तो विसर्जन देख लेंगे और आपको भी दिखा दूंगा। 8:10 हो रहे हैं, फटाफट त्रिवेणी घाट पहुँच रहे हैं। तो भाई त्रिवेणी घाट पहुँच चुका हूँ और
बम पटाखों की आवाज़ से पता चल रहा है कि अभी विसर्जन नहीं हुआ। सभी को हमारे चैनल के माध्यम से त्रिवेणी घाट ऋषिकेश में गणेश विसर्जन देखने का मौका मिला। तो भाई एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, अगर आपको पसंद आया लाइक भी कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और अभी वीडियो आगे भी है क्योंकि आज भी होना है जागरण, जो अपना नगर निगम में है लास्ट है आज, तो अभी वहाँ की भी कुछ झलकियाँ मैं ऐड कर दूँगा, उसके बाद वीडियो एंड करेंगे। और बड़ा ही सुंदर पंडाल है यहाँ पर लगा हुआ त्रिवेणी घाट पर पीछे, तो अभी हम भी जा रहे हैं वहाँ दर्शन के लिए। आप भी आइए ऋषिकेश और बढ़िया से दर्शन कीजिए। जय गंगे मैया की, हर हर महादेव।